बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। द एंड लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म चैन स्लाइड अलोंग ए फिक्स्ड रॉफ हॉरिजॉन्टल रॉड प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चैन इज mu times log of 1 plus mu is whole power 1 by 2 whole upon mu, where mu is the coefficient of friction। तो हमें एक रेशियो निकालना है मैक्सिमम स्पान का रेशियो लेंथ ऑफ चैन के साथ में, और यहाँ पर mu है कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन है। तो बताया गया कि एंड लेंथ्स ऑफ यूनिफॉर्म चैन है, एक यूनिफॉर्म चैन है। यूनिफॉर्म मीन्स इसका यूनिट लेंथ का वेट इक्वल है, और ये स्लाइड कर रही है एक फिक्स रॉफ हॉरिजॉन्टल रॉड पर। तो इससे बनेगा एक कॉमन कैटेगरी, क्योंकि जो आखिरी जो सिरे हैं एंड लेंथ्स हैं वो एक रॉड पर हैं, और जब एंड लेंथ्स जो रॉड पर होंगे और रॉट और इस लिंक्स के बीच में जो कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन है वो म्यू दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी एक चैन होगी वो उसका वेट नीचे की तरफ इधर होगा, और इस वजह से ये जो सिरे जो दूर पहले रखे गए होंगे तो ये चल के जब से वेट अभी जो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी उन फोर्स की वजह से ये पास में आ जाएंगे, और एक एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ये आके यहाँ पर रुक जाएंगे जब सारे तरफ के फोर्स इस पॉइंट ए पर लगने वाले ए पॉइंट पर, और ये बी पॉइंट है जो इंट्स पॉइंट्स इंट लिंक्स हैं जो रॉड के अंदर थे, और ये डोरी बिल्कुल सीधी थी जब छोड़ा गया तो ये वेट की वजह से ये नीचे आ गया। अब ये जब रुक जाएगा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमको देखना होगा कि इस ए पॉइंट पर इस लिंक पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोर्स होंगे, एक तो डोरी में जो फ्रैक्शन डोरी में जो टेंशन होगा वो होगा जो इस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी इस स्ट्रिंग पर डोरी चैन पर उस डायरेक्शन में होगी टेंशन। इस टेंशन को रोकने के लिए एक जो नॉर्मल रिएक्शन होती है यानी रॉड पर ये जो लिंक पर रॉड जो लिंक पर इस जो एंड लिंक है आखिरी जो कड़ी है उस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ अपने रॉड पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं आर के इक्वल होगी। और चूँकि मैं मैक्सिमम स्पान निकालना है जैसे कि बताया है, तो मैक्सिमम स्पान तभी होगा जब इस तरफ लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, और ये फोर्स मैक्सिमम जो होता है वो म्यू आर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होती है वो म्यू आर होता है। यानी ये सेल्फ एडजस्टिंग मतलब पहले तो ये कम लगता है, और जैसे जैसे हम इस तरफ फोर्स बढ़ाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी ये जब मैक्सिमम फोर्स इधर लगेगा तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन ये वो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फोर्स अब नहीं हो सकता। अब अगर ज़्यादा फोर्स इससे होगा तो ये इधर फिसल जाती, लेकिन ये एक कॉमन कैटेगरी बनाएगी, और इस कॉमन कैटेगरी का हमको स्पान होता है यानी ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो इसकी लेंथ के साथ हमको रेशियो फाइंड करना है। और ये लेंथ माना कि इस रॉड की इसकी जो चैन है उसकी लेंथ तो माना कि एल के इक्वल है, और इस का जो लोवेस्ट पॉइंट है माना कि सी है, और सी से माना कि वाई एक्सिस पास होता है, और सी पॉइंट पर इसकी जो लेंथ होती है दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाती है यानी एल बाई टू और एल बाई टू। सारी डिस्टेंस को जो कर्व के अलोंग नापी जाती है वो सी से नापी जाती है। यहाँ पर सी पर एस की वैल्यू ज़ीरो होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर एस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर एस की वैल्यू एल बाई टू के इक्वल होगी।
तो बात चल रही थी ए पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की। तो हम देख रहे हैं कि तीन फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन जो रॉड की होगी इस इंट लिंक पर आर कैपिटल आर, और ये जो रफ सरफेस यानी रॉड पर ये इसका लिंक्स फिसल रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन म्यू आर और इस टेंशन टी जो कि इस डायरेक्शन में है, इन दोनों को ये दोनों फोर्स मिलकर बैलेंस कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा जो अपोजिट होगा टी के अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पर हम इस कैपिटल सी से स्मॉल सी दूरी पर एक दूसरा रे लेते हैं, माना एक दूसरे एक्स एक्सिस लेते हैं, वो माना कि एक्स एक्सिस है ये। और जो जानते हैं हम लोग कि जो टेंशन होता है उसका एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन को साई से डिनोट करते हैं। अब जो तीन फोर्सेस हमने लिए हैं उनको जब रिजॉल्व करेंगे यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सबसे पहले इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो उसको लिख देते हैं कि रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जब हम इस टी का जो कि इंक्लिनेशन साई है, तो ये भी साई होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये साई है तो वो भी साई होगा, इसलिए टी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इससे साई एंगल पर, तो ये टी कॉस साई के बराबर होगा। अपोजिट फोर्स तरफ के फोर्स इक्विलिब्रियम में इक्वल होंगे, तो टी कॉस साई की वैल्यू जो होगी वो म्यू आर के बराबर हो जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दें। और टी का इसके दूसरा जो इस टी कॉस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हम लोग जानते हैं टी साइन साई के इक्वल होगा। तो टी साइन साई, अब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अपोजिट तरफ के फोर्स बराबर होते हैं, तो नीचे की तरफ जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ फोर्स के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशन से यानी वन और टू से हम म्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। यानी इक्वेशन नंबर टू को अगर वन से डिवाइड कर दें तो टी साइन साई को डिवाइड करेंगे जब टी कॉस साई से, तो यानी आर को डिवाइड करेंगे म्यू आर से, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, साइन अपन कॉस ये टेन साई की वैल्यू जो होगी वन अपन म्यू के बराबर होगी। म्यू तो हमें गिवन है, हम यानी यहाँ पर साई की वैल्यू हमने निकाल दी, चूँकि स्पान निकालना है तो हमें सेक साई की ज़रूरत होगी, और सेक साई और टेन साई का रिलेशन होता है हम लोग जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर साई के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर टेन की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। टेन की वैल्यू वन अपान म्यू है तो म्यू रख दिया, लेकिन इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर वन और म्यू का म्यू स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू म्यू स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, म्यू स्क्वायर से स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से म्यू बाहर निकल आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो इसमें से म्यू यहाँ पर अंडरूट लगा रहेगा, और स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसके स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इसके अंदर जो भी लिखा है उसकी पावर हो जाती है वन बाई टू हो जाएगी अपान में भी। ये सेक्स आई की वैल्यू आ गई है। अब हमें अगर स्पान निकालना है तो सी की वैल्यू की और ज़रूरत होगी, और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो कॉमन कैटनरी का एक फार्मूला होता है एस इजिकल टू सी टेंस आई उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें टेंस आई की वैल्यू पता हो चुकी है तो यहाँ पर जो पैरामीटर ऑफ कैटनरी है जिसे सी से डिनोट करते हैं, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए इस फार्मूले का हमने यूज़ करना है एस इजिकल टू सी टेंस आई। तो क्योंकि साई की वैल्यू पता है ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट कॉमन कैटेनरी का ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो साई एंगल बना रही है, और हम लोग जानते हैं एस की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है ज़ीरो, इसी पॉइंट है ज़ीरो से, और फिर बढ़ते बढ़ते इस ए पॉइंट पर ये वैल्यू टोटल कर्व की जो लेंथ होगी यानी एल बाई टू के बराबर होगी। तो इसमें इस पॉइंट के ए पॉइंट के लिए जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो एल की जगह एस की जगह एल बाई टू हो जाएगा, सी यू इंटू टेन साई की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं जो वन अपान म्यू के इक्वल आई है, इससे सी की वैल्यू पता होगी म्यू का उधर इंटू हो जाएगा, तो एल म्यू अपान टू हो जाएगा, ये सी की वैल्यू आ गई जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे क्योंकि स्पान निकालना है। तो स्पान का फार्मूला हम लोग जानते हैं जो ए और बी तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है यही स्पान होती है, और इसके लिए फार्मूला होता है
तो स्पान ए बी की वैल्यू होती है 2c इंटू log of tan sec i और प्लस का tan i। तो इन दोनों वैल्यू को हम रख देंगे tan i sec i की, और c की वैल्यू अभी निकाली वो तो 2 इंटू म्यू इंटू एल अपान 2 है, ये c की वैल्यू पुट कर दी, इंटू log of sec i की वैल्यू पीछे अभी फाइंड की थी जिसकी वैल्यू आई थी 1 प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 होल बाई म्यू था, और प्लस 10 साई की वैल्यू 1 अपॉन म्यू, इसमें म्यू को एलसीएम लेने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू एल हो जाएगा, लॉग ऑफ म्यू एलसीएम लेने के बाद में ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, और ये स्पान हमने निकाल लिया। जबकि हमसे रेशियो मांगा गया था, स्पान का रेशियो, स्पान ए बी का रेशियो लेंथ के साथ में, यानी लेंथ ऑफ द चैन, और लेंथ ऑफ चैन हमने शुरुआत में बोली थी कि एल के बराबर हम ले रहे हैं, तो म्यू एल लॉग ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपान म्यू, म्यू और अपान में हो जाएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपान म्यू हो जाएगा। इस तरीके से ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।